हेलो एवरीवन दिस इज एंजली लूथरा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 बोर्ड एग्जाम यू बेस्ड ऑन एस तो एस में जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम इस सीरीज में वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं और ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन लिया गया जो हम आज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सो दिस इज अबाउट मी नेम इज लूथरा मैं कंप्यूटर साइंस एंड पढ़ाती अकेडमी पे एज प्लस एजुकेटर सो आप वहाँ पर भी मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आई हैव सेवेंटीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स इन सी बी एस ई बोर्ड आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई हैव यूनिवर्सिटी टॉपर इन माई बैचलर्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन सो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सो so, एस क्यू एल में क्या होता है आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि टू टू मार्क्स की थियोरी क्वेश्चन हो सकते हैं दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि टेबल दिया होता है और आपको क्वेरी लिखने के लिए दी होती है या फिर आपको टेबल दिया होता है और कुछ क्वेरीज ऑलरेडी दी होती है जिसके आउटपुट्स आपको बताने होते हैं आज की वीडियो में हम दस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेबल सबके लिए सेम होगा सो दिस इज योर टेबल नेम्ड ट्रांसपोर्टर इसमें दस क्वेस्स हैं जिसमें से पहले जो आर्ट हैं उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंड ये आर सपोज टू राइट अ क्वेरी फॉर दैट लेकिन अगले जो दो हैं उसमें क्वेरी दी हुई है और आपको उसका आउटपुट लिखना होगा ठीक so, है सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ क्लास ट्वेल्थ सी एस एज वेल एज आई पी क्योंकि एस क्यू एल के ये जो टॉपिक्स इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं वो सी एस वालों के लिए भी हैं और वो आई पी वालों के लिए भी हैं क्योंकि आपका कॉमन टॉपिक है एस क्यू एल सो चलिए शुरू करते हैं uh, यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ट्रांसपोर्टर एंड इट सेज दैट यू हैव टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ड्राइवर्स एंड डेस्टिनेशन सिटी वेयर टेलीविजन इज बींग ट्रांसपोर्टेड मतलब आपको नेम ऑफ ड्राइवर बताना है और डेस्टिनेशन सिटी बतानी है जहाँ पर टेलीविजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अब हम कॉलम्स देख लेते हैं ड्राइवर नेम मुझे यहाँ से मिल जाएगा है ना तो सबसे पहली चीज आ जाती है जब क्वेश्चन में होता है टू डिस्प्ले टू लिस्ट टू शो उसका मतलब है आपको सिलेक्ट लगाना है सो so कौन सी कमांड यूज करनी है सिलेक्ट सो सिलेक्ट इज योर डेटा क्वेरी कमांड तो हम लगाएंगे सिलेक्ट सिलेक्ट के आगे हम उन कॉलम्स के नाम देखते हैं जो हमें फेच करने हैं सो so, यहाँ पर अगर सारे कॉलम्स चाहिए होते तो आप स्टार लिखते हैं लेकिन सारे कॉलम्स तो नहीं चाहिए आपको सिर्फ ड्राइवर का नाम और सिटी चाहिए सो so, ड्राइवर का नाम ड्राइवर नेम से आ जाएगा कॉमा डेस्टिनेशन सिटी के लिए जो कॉलम का नाम है वो डेस्टिनेशन है सो मेक श्योर कि आप वही कॉलम का नाम लिखें जो टेबल में गिवन है सो कॉमा डेस्टिनेशन लिखने को आप सारी की सारी कमांड सेम लाइन में लिख सकते हो बट आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस ड्राइवर नेम कॉमा डेस्टिनेशन फिर आप लिखो फ्रॉम ठीक है फ्रॉम कौन से टेबल से टेबल आप देख रहे हो हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टर से सो so, हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रांसपोर्टर ठीक है सो सिलेक्ट ड्राइवर नेम कॉमा डेस्टिनेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वेयर टेलीविजन इज बींग ट्रांसपोर्टेड मतलब जो आपका आइटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो टेलीविजन होना चाहिए तो मैं इस टेबल में देखूंगी कि भाई किधर है टेलीविजन टेलीविजन कौन से कॉलम में है आइटम में तो आइटम कॉलम की वैल्यू अगर टेलीविजन है तभी मुझे दिखाना है अदरवाइज नहीं दिखाना है तो हम यहाँ पर कंडीशन किस में लगाते हैं वेयर में तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर सो सिलेक्ट ड्राइवर नेम कॉमर डेस्टिनेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वेयर आइटम इज इक्वल टू टेलीविजन

चलिए आगे चलते हैं दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन टू डिप्ले ड्राइवर नेम एंड नॉट मुंबई तो दिखाना तो मुझे अभी भी वही है ड्राइवर नेम एंडन जहां पर आपकी डेस्टिनेशन मुंबई नहीं है सो so शुरू करेंगे सिलेक्ट से, से, क्या करना है ड्राइवर नेम Make sure कि आप ड्राइवर नेम लिखते हुए बीच में स्पेस ना छोड़ें क्योंकि column के नाम में space नहीं होता है है so एक ही चीज़ है, comma, destination. That is the second column, जो आपको fetch करना कहाँ से करना है फ्रॉम ट्रांसपोर्टर कंडीशन यहाँ पर क्या है कि डेस्टिनेशन मुंबई नहीं होनी चाहिए डेस्टिनेशन so

या फिर हम यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन साइन फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर भी लिख सकते हैं दैट ऑल्सो मीन्स नॉट इक्वल टू एन एस क्यूएल तो एस क्यूएल में उसका मतलब भी वही होता है ठीक है सो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ डेस्टिनेशन सिटीज वेयर आइटम्स आर बींग ट्रांसपोर्टेड देर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज तो आपको क्या दिखाना है नेम ऑफ द डेस्टिनेशन सिटीज मतलब मुझे सिर्फ ये सिटीज दिखानी है वेयर आइटम्स आर बिंग ट्रांसपोर्टेड मतलब कोई सा भी आइटम ट्रांसपोर्ट हो रहा हो कोई आइटम का नाम तो लिखा नहीं है, है ना ऐसा तो नहीं लिखा कि वह फर्नीचर इज ट्रांसपोर्टेड या वॉशिंग मशीन इज ट्रांसपोर्टेड सो दैट कोई भी आइटम हो तो कोई कंडीशन नहीं है देर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज तो आंसर में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर आपका एक स्पेशल कीवर्ड यूज होगा जो ये काम करता है कि अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसको एक ही बार दिखाओ एक से ज्यादा बार मत दिखाओ जैसे डेस्टिनेशन में अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ सिलेक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर तो वो दिखाएगा मुंबई पुणे लखनऊ मुंबई उदयपुर मुंबई पुणे ठीक है मेरे पास यहाँ पर सात रिकॉर्ड्स हैं तो सेवन टाइम्स इट विल शो ऑल द सिटीज पर मैं रिपीटेड वैल्यूज नहीं देखना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आप डिस्टिंक्ट के आगे ब्राकेट लगाओ या नहीं लगाओ वो ऑप्शनल है डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में डेस्टिनेशन भी लिख सकते हैं या सिर्फ स्पेस देके भी डेस्टिनेशन लिख सकते हैं दोनों सही हैं सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में डेस्टिनेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट तो डिस्टिंग क्या करता है वो कहता है कि अगर एक value एक बार print हो गई तो हमको उसको दोबारा नहीं करना है तो मुंबई प्रिंट होगा पुणे होगा लखनऊ होगा मुंबई दोबारा आ रहा है तो नहीं होगा उदयपुर होगा तो so, आपके पास चार वैल्यूज प्रिंट होंगी मुंबई पुणे लखनऊ एंड उदयपुर ठीक है रिपीटेड वैल्यूज नॉट बी डिस्प्ले तो यहाँ पे यूज हो रहा है डिस्टिंक्ट नेक्स्ट आ जाता है टू डिस्प्ले ऑफ रोज दैट इन ड्राइव ग्रेड कॉलम अब अगर आप इस कॉलम को देखोगे ड्राइव ग्रेड को तो इसमें पहले वाले को ग्रेड ए दिया हुआ है दूसरे वाले के पास कोई भी ग्रेड नहीं है फिर बी है फिर ए है फिर कोई भी ग्रेड नहीं है फिर बी है फिर कोई भी ग्रेड नहीं है है ना नो so, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ उनको दिखाया जाए डिस्प्ले डिटेल्स है डिटेल्स का मतलब सब कुछ दिखाना है तो स्टार हो गया कहाँ से दिखाना है फ्रॉम ट्रांसपोर्टर सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्टर जहां पे कुछ वैल्यू हो कुछ वैल्यू हो मतलब वो ब्लैंक ना हो है ना ब्लैंक का मतलब होता है नल सो so, हम यहाँ लिखेंगे वेयर ड्राइवर ग्रेड इज नॉट नल सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल टू से आप नल को कंपेयर नहीं कर सकते हो जब भी नल के साथ कंपैरिजन होगा इज नल लिखना पड़ता है अगर आपको नल वाले देखने होते तो पर आपको यहाँ पे वो देखने हैं जो नल नहीं है तो हम लिखेंगे वेयर ड्राइवर ग्रेड इज

तो सबसे पहली चीज़ तो आ जाएगी कि सेलेक्ट के साथ कॉलम के नाम लिख दिए जाए नेम ऑफ ड्राइवर देखना है तो ड्राइवर नेम नेम ऑफ आइटम्स के लिए कॉलम का नाम रहेगा आइटम ट्रैवल डेट शो करने के लिए कॉलम का नाम रहेगा ट्रैवल डेट सो ये तीन कॉलम्स हैं तो मैंने लिखा सेलेक्ट ड्राइवर नेम कॉमा आइटम कॉमा ट्रैवल डेट कौन से टेबल से देख रहे हैं ट्रांसपोर्टर टेबल से देख रहे हैं जी सो so हम क्या लिख देंगे फ्रॉम ट्रांसपोर्टर अब कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट अप्रैल से पहले ट्रांसपोर्ट हुए हैं उनको शो करो तो मतलब कंडीशन लगेगी ट्रैवल डेट के ऊपर है ना सो ट्रैवल डेट ऑन और बिफोर ऑन का मतलब इक्वल टू बिफोर का मतलब लेस देन ठीक है सो so, जो डेट जो ट्रांसपोर्ट डेट फर्स्ट अप्रैल 2019 से छोटी है या फिर इक्वल है बिकॉज ऑन और बिफोर लिखा है तो ऑन का मतलब हो गया इक्वल टू लगेगा और बिफोर का मतलब है कि लेस देन लगेगा तो यहां पर हम डेट लिखेंगे डेट लिखते हुए ध्यान रखेंगे जो फॉर्मेट टेबल में दिया है वही फॉर्मेट आपने लेना है वैसे भी माई एस का फॉर्मेट यही होता है चार डिजिट का ईयर फिर मंथ फिर डे सो यहाँ पर आपके पास चार डिजिट का ईयर दैट इज टू थाउजेंड नाइनटीन अप्रिल इज जीरो

राधे मोहन है ना इनके नाम में कहीं पे भी, भी मोहन हो सकता है सो so, जब भी आपको पूरा कोई टेक्स्ट मैच ना करना हो पार्ट ऑफ टेक्स्ट मैच करना हो तो वहां पर लाइक like यूज होता है पैटर्न मैचिंग का इस्तेमाल करते हैं सो पैटर्न मैचिंग कैसे होती है लाइक like से डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर्स बोला है तो आपको ड्राइवर का नाम नहीं बताना आपको उसका आई नहीं बताना नंबर ऑफ ड्राइवर्स बताना है नंबर किससे आएगा काउंट से सेलेक्ट काउंट स्टार भी लिख सकते थे काउंट ड्राइवर नेम भी लिख सकते थे काउंट ऑर्डर नंबर भी लिख सकते थे एनी थिंग वी जस्ट वॉन्ट टू गेट द नंबर ऑफ रोज कहाँ से फेच कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर से सो फ्रॉम ट्रांसपोर्टर कंडीशन क्या है कि मोहन नाम में कहीं ना कहीं होना चाहिए सो वेर ड्राइवर नेम ठीक है ड्राइवर नेम इतना तो हमें पता चल गया कि लाइक like लगेगा पर लाइक like के साथ क्या लिखोगे लाइक like के साथ लिखोगे परसेंटेज मोहन परसेंटेज तो परसेंटेज दोनों तरफ आएगा सो लाइक परसेंटेज मोहन परसेंटेज इन कोट्स मतलब चाहे मोहन से पहले कितने भी लेटर्स हो चाहे मोहन के बाद कितने भी लेटर्स हो लेकिन मोहन बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए सो मोहन शुड बी देयर एनीवेयर इन बिटवीन सो वेयर ड्राइवर नेम लाइक परसेंटेज मोहन परसेंटेज तो ये आपका आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन अब है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ड्राइवर्स आइटम नेम एंड ट्रैवल डेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्राइवर नेम तो आपको तीन चीजें दिखानी है और यहाँ पर जो कमांड है इसमें सॉर्टिंग आ गई है ना कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है एंड हमें क्लियरली पता है कि भाई जहाँ पर सॉर्टिंग आ गई जहाँ हमें कहा जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ दिखा वहाँ कौन सी कमांड यूज होती है फटाफट से कमेंट्स में लिखो फटाफट से यस yes, हरिया कौन सी कमांड यूज होती है जिसकी हेल्प से आप सॉर्ट करते हो और जिसकी हेल्प से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हो इट इन द कमेंट्स बिफोर दैट कि मैं यहां आंसर लिखूं सो so, देखते हैं कौन कौन सही आंसर लिख रहा है और इसका आंसर क्या होगा सिलेक्ट डिस्प्ले नेम ऑफ ड्राइवर्स सो इट शुड बी सिलेक्ट ड्राइवर नेम कॉमा आइटम कॉमा ट्रैवल डेट सो ये आपको कॉलम्स बोले गए हैं दिखाने के लिए कहाँ से दिखाएंगे फ्रॉम ट्रांसपोर्टर सो वी आर गोइंग टू शो इट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर ठीक है इन ऑर्डर ऑफ ड्राइवर नेम तो आपको सॉर्ट करना है हाँ जी सॉर्ट के लिए हम लगाएंगे ऑर्डर बाय और ऑर्डर बाय किससे करना है ड्राइवर के नाम से सो ऑर्डर बाय ड्राइवर नेम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है आप चाहो तो ए एस सी लिख भी सकते थे पर बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करता है सो यू डोंट हैव टू राइट इट चलिए नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ड्राइवर्स हुज नेम्स आर थ्री कैरेक्टर्स लॉन्ग आपको उन ड्राइवर्स के नाम बताने हैं जिनकी नाम में तीन कैरेक्टर्स हैं इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं पहले तो हम लिख लेते हैं अपना आधा क्वेरी दैट इज सेलेक्ट ड्राइवर नेम फ्रॉम ट्रांसपोर्टर ये तो करना ही है अब आती है कंडीशन कंडीशन में एक कंडीशन है आप लिख सकते हो लेंथ वेयर लेंथ ब्रैकेट में ड्राइवर नेम लेंथ इज एन इंडिविजुअल रो फंक्शन है ना जो कैरेक्टर्स के साथ यूज होता है तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं वेयर लेंथ ऑफ ड्राइवर नेम इज इक्वल टू थ्री तो जहाँ पर लेंथ थ्री है मतलब उसके अंदर थ्री कैरेक्टर्स हैं उस नाम को शो करो वन ऑप्शन इज दिस अनदर ऑप्शन इज आप लिख सकते थे कंडीशन में ड्राइवर नेम लाइक अंडरस्कोर 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 सो जैसे परसेंटेज साइन होता है लाइक like के साथ वो बताता है कि वहाँ पे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन अंडरस्कोर बताता है एग्जैक्टली वन कैरेक्टर होना चाहिए तो अगर मैं तीन अंडरस्कोर देती हूँ मतलब एक्जैक्टली तीन कैरेक्टर्स ही होने चाहिए वो कुछ भी हो सकते हैं पर होंगे तीन ही तो आप फर्स्ट वाली कंडीशन लिखो लेंथ वाली या ये वाली लिखो मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे सो यू कैन राइट एनी ऑफ द टू कंडीशन एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट राइट आई होप क्लियर है सो so, फटाफट से अगर आपको क्लियर होता जा रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ के साथ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर दो एंड डू राइट इन कमेंट्स एंड लेट मी नो कि यस मैम समझ आ रहा है मज़ा आ रहा है करने में सो so, जरूर एक कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा सो so, ये तो थे हमारे आठ क्वेश्चन जिसमें क्वेरी हमें लिखनी थी अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे क्वेरी दी हुई है और आपको आउटपुट बताना है सो so, क्वेरी दी हुई है आउटपुट बताना है तो क्वेरी क्या है जी क्वेरी है सिलेक्ट आइटम कॉम अ काउंट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्टर ग्रुप बाय आइटम हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन वन सो ग्रुपिंग करनी है किसके बेसिस पे आइटम के बेसिस पे तो पहले तो आप लिख लोगे जो आपको शो करना है जो क्वेरी में फेच हो रहा है उनको लिख लो कॉलम्स की हेडिंग को तो आइटम शो करना है काउंट स्टार शो करना है ठीक है जी ग्रुप बाय आइटम का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट आइटम्स तो डिफरेंट आइटम्स मेरे पास हैं टेलीविजन फर्नीचर वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर अब वो कह रहे है, दिखाना सिर्फ उनके लिए है जिनका काउंट वन से ज्यादा so, so, और ये रहा टेलीविजन सो so, पहला मैं लिख लूंगी टेलीविजन एंड इट कम्स फॉर थ्री टाइम्स आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हो पूरा क्योंकि टेबल में कैपिटल्स में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पूरा टेलीविजन कैपिटल में भी लिख सकते हो वैसे इसके मार्क्स कटने नहीं चाहिए बट बेटर है कि जो केस यहाँ लिखा हुआ है वही केस आप यहाँ पे लिखो ठीक है सो टेलीविजन इज थ्री फर्नीचर एक ही है एक ही है नहीं आएगा वॉशिंग मशीन एक ही है नहीं आएगी रेफ्रिजरेटर दो हैं सो so, आप इसको कैपिटल में ही लिखना टेलीविजन को भी कैपिटल में लिखना मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो एम नॉट चेंजिंग इट बट प्रेफर टू राइट इन द सेम केस जैसा आपके टेबल में के बने मार्क्स नहीं कटने चाहिए लॉजिकली बट इट्स बेटर कि आप उसी केस में लिखो जो केस यहाँ पर गिवन है बिकॉज हम हंड्रेड से कम एक भी किसी भी हालत में नहीं टारगेट कर रहे हैं सो so जब आप हंड्रेड टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिसाइस अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ना हर चीज़ को प्रिसाइसली करना पड़ेगा आपको सो so यहाँ पे टेलीविजन इज थ्री रेफ्रिजरेटर इज टू सो दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेलेक्ट मैक्स ट्रैवल डेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर वेयर ड्राइवर ग्रेड इज़ इक्वल टू ए तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझनी ये है कि मैक्स और मेन डेट कौन सी होती है मैक्स डेट इज जो लेटेस्ट है आज की डेट आपकी हाइएस्ट डेट है जितना पीछे जाओगे डेट कम होती जाएगी तो मैक्स ट्रैवल डेट का मतलब है कि ये जो डेट्स हैं इसमें से सबसे बड़ी डेट बतानी है लेकिन सिर्फ उसके लिए जहाँ पर ड्राइवर ग्रेड ए है तो वो मेरे पास दो ही जगह पर है वो दो जगह कौन सी है ये वाली और ये वाली सो so, इसमें मेरे पास ये है 2019 अप्रैल ये भी अप्रैल है है ना दोनों 2019 है दोनों फोर्थ मंथ है ये 19 है ये 7 है तो मैक्स कौन सी हुई 19 जो बाद में आएगी तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम जो सिलेक्ट के साथ लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए draw a line and write down your date so this is the right ट सो दिस इज दी ट्रावल डेट और ये दस नंबर पक्के पर अब आजकल के जो पेपर है मतलब जो अब सैम्पल पेपर आया उसके हिसाब से टेन मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपके पास फाइव मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो कि दो क्वेश्चन में डिवाइड हो सकता है ना सो so पहले टेन मार्क्स के आते थे क्योंकि सिलेबस आपका अभी रिसेंटली चेंज हुआ है सो so ऑलमोस्ट uh, दो ती, तीन साल पहले तक यू यूज टू गेट टेन मार्क क्वेश्चन पर अब आपको फाइव मार्क्स से ज्यादा का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तो ये मैंने दस क्वेरीज करी है बट पांच पांच क्वेरीज अब आपको आएंगी सो so, कैसे भी आए आपको क्वेरी लिखनी आनी चाहिए फिर चाहे वो पांच नंबर हो एक क्वेरी का तो एक नंबर ही मिलना है ना चाहे वो थ्री मार्क के क्वेश्चन में उसको दें आपको चाहे वो फाइव मार्क के क्वेश्चन में दें यू शुड बी एबल टू डू इट सो दैट इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन सी बी एस ई बोर्ड राइट दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा ही हुआ है आपको पता ही चल रहा है दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव तो पुराने साल के अगर आप पेपर्स देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स तो ये तीनों डेटाबेस से रिलेटेड होते थे ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव एंड सिक्स सिक्स में ज्वाइन वाला क्वेश्चन होता था वो अब आई पी के सिलेबस में नहीं है तो आपको ज्वाइंस नहीं करना है आईपी में मतलब दो टेबल को लिंक करने वाला चीज दैट यू डोट है और उसके अलावा आप सारे क्वेश्चन पी वाई फ्यूज में से प्रैक्टिस कर सकते हो आपको जाके पेपर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम हैं है ना हम हैं तो क्या गम है तो हम आपको सारे क्वेश्चन यहीं इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे आपको सिर्फ उन वीडियोज को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सो दैट इज इट अन अकेडमी पे मेरी लाइव क्लासेज अटेंड करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो दैट इज अंजली वन जीरो जीरो यस अंजलि हंड्रेड सो यूज दैट कोड ताकि आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकें या कभी भी आपको अन अकाडमी पर सब्सक्रिप्शन लेनी हो देन ऑल्सो यू कैन यूज द सेम कोड एंड गेट अ फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई सीन इन द नेक्स्ट वीडियो टिलेक वेरी गुड केयर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए